and cleared for takeoff. Clap. Go. हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक मेकअप वीडियो लेके। तो आज का जो मेकअप वीडियो होने वाला है वो होने वाला है करवा चौथ स्पेशल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू हियर देन वेलकम टू माय चैनल, दिस इज यामा आर्या एंड यू आर वॉचिंग यामास वर्ल्ड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेकअप अच्छा लगे, आप लोग को सीख पाए तो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहीं पे बेल आइकन होगा प्लीज उसको भी हिट कर देना। तो अब चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमेशा की तरह कर लेना है अपने फेस को क्लीन, क्योंकि हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यही सिखाया है, आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना होता है, उस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना होता है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपना बेस भी कंप्लीट कर लिया है तो बहुत सारा कुछ काम मैं ऑलरेडी करके बैठी हूँ, क्योंकि बस वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। डायरेक्ट हमारा फोकस आएगा आई मेकअप पे, जो कि आप देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे। तो जो आज मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आप ये कहेंगे कि आउटफिट का कलर तो कुछ और ही है और आई मेकअप का कुछ और ही कलर किया है। तो ये मैंने सोचा है कि चलो कुछ आज थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं, लाइक जो जरूरी नहीं है जो आउटफिट हम पहने उसी कलर का हम आई मेकअप करें, है ना। तो थोड़ा सा आज कुछ हटके करेंगे, हटके इन द सेंस कलर थोड़े हटके यूज कर लेंगे, फिर देखते हैं कैसा लुक क्रिएट होके निकलता है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कलर आप चेंज कर लेना अपने मन से तो चलिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इन थोड़े से जो बाल है मेरे, इनको ऊपर क्लिप कर लेते हैं, ताकि ये हमारी आंखों में ना घुसे। मेकअप करते समय बहुत मेरी आंखों में जाते हैं, फिर भी मैं आने देती हूँ ना। तो इनको चलिए पहले ऊपर लगा लेते हैं, क्लिप लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, और एक हल्का सा लिप शेड भी लगा लिया है, यू नो, थोड़ा स्क्रीन पे अच्छा अच्छा दिखने के लिए, बस इसीलिए, ठीक है। आप चाहे तो लिप बाम भी लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं जहां तक है ऐसे न्यूड शेड यूज करने वाली हूँ, और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर शिमर ग्लिटर जो भी ऐसा मन करेगा वो हम लगाते चले जाएंगे। लाइक मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं बैठी हूँ कि मुझे किस तरीके का लुक क्रिएट करना है, लेकिन हाँ हल्का हल्का एक माइंड में है कि हम क्या थोड़ा सा यू नो कलर के साथ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए तो ये वाले पैलेट में से मैं सबसे पहले ले लूंगी इस तरीके का यू नो डार्क शेड, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से फिल कर लूंगी अपने आईलिड्स पे। तो चलिए करते हैं। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स हम यूज कर लेंगे हमारा न्यूड कलर का ब्राउन शेड, जिसको यू नो हम इस तरफ लगाएंगे आंखों के इस तरफ ऊपर की तरफ, है ना। मतलब इन दोनों शेड को हम मिक्स कर देंगे, ब्राउन शेड को और ये वाला जो हमने अभी अप्लाई किया है उसको। आई मेकअप करते करते थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में गिव अवे की बात कर लूं। तो अब जैसे कि गिव अवे की डेट नजदीक आने वाली है, कोई बात नहीं, आने दो नजदीक। लेकिन आप लोग जिन लोगों की मतलब मुझे पता चला है कि मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं यू नो जिनकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको फीवर आया हुआ है, तो डियर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यू नो मेरी वीडियोस देखनी ही देखनी है, आंसर्स रिप्लाई करने ही करने हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप अपनी ध्यान रखेंगे अपने हेल्थ का, उसके बाद में ये सब है कि वीडियोस है, गिव अवे है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होती है हेल्थ। तो आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, डेट नजदीक आ रही है, आ जाने दीजिए। अगर मुझे ऐसा लगा कि लाइक आप लोग नहीं उस डेट पे अपना पूरा दे पा रहे हैं, 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो
अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं एक दो दिन आगे बढ़ा दूंगी डेट की, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसी दिन तक मुझे मतलब यू नो इनवाइट्स चाहिए और आंसर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप पहले अच्छे से रेस्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए और ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से मेरी वीडियोस देखिए, आंसर्स सेंड कर दीजिए, डीएम कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से हम यू नो ब्लेंड कर देंगे इस ब्राउन शेड को। अब इसमें से ये वाला शेड लेके हम अपने इनर कॉर्नर्स में लगा लेंगे, ठीक है, इधर और इधर। तो चलिए लगाते हैं। बहुत अच्छे से आपको लगाना है, लाइक ढंग से, है ना। ऐसा नहीं कि हल्का हल्का लगा दिया, थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए ताकि वो दिखाई दे अच्छे से। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अब हम इस तरीके का एक शिमर शेड यूज करेंगे। आपके पास जो भी कलर का शिमर शेड हो आप यूज कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आज कलर का थोड़ा सा कुछ अलग ही होने वाला है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आज ये वाला शेड लगाऊंगी, तो चलिए लगाते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि मैं शिमर शेड ज्यादातर अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करती हूँ। इस तरीके से मैंने अपना शेड अपनी फिंगर पे ले लिया है। अब इसको आपको सिर्फ ना यू नो ऐसे प्लेस करनी है, लाइक रखना है प्रोडक्ट को अपनी आंख के ऊपर, उसको रख के इस तरीके से यू नो ब्लेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सारा कुछ फॉल आउट हो जाएगा और कुछ भी आईलिड के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। और जितना हो सके अपने इनर कॉर्नर्स में भी थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आंख पे भी लगा लेंगे, तो वो मैं फ्रेंड्स ऑफ कैमरा लगा के आपको मिलती हूँ। तो अब लगा लेंगे हम अपना आईलाइनर। आईलाइनर बिल्कुल सिंपल लगाएंगे, ज्यादा विंग नहीं बनाएंगे ना ज्यादा मोटा बनाएंगे, जो नॉर्मल आईलाइनर होता है हम वही अप्लाई करेंगे। अब मैं दूसरी आंख पे लगा के मिलती हूँ, जो कि मैं ऑफ कैमरा लगा लूंगी। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो मेरा डिटेल वीडियो एक है आईलाइनर के ऊपर, लाइक बिगनर्स अपने आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं एकदम सिंपल वे में, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। तो जब तक आईलाइनर हमारा सूखता है तब तक हम लगा लेंगे हमारा ब्लश और हाइलाइटर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं ज्यादा कॉन्टोरिंग में जाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्टोरिंग करती हूँ तो वो मैंने कर लिया है, ऐसा कुछ खास कॉन्टोरिंग में करती नहीं हूँ जो मैं आपको दिखाऊं, है ना। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों ने यू नो आई शेडो यूज किए हैं पिंक कलर के, वो ही सारे शेड हम मिक्स करके हमारे काजल की जगह पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में हम इसके नीचे थोड़ा सा अपना काजल अप्लाई कर लेंगे, या तो आप ब्लैक कलर का आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और ना काजल को आप ना थोड़ा सा ऐसा रफली लगाइएगा, यू नो, बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन मत लगाना, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा। रफली लगा के आप थोड़ा सा उसको स्मर्ज कर देना, लाइक ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा ब्रश को हिला देना अपने काजल पे, तो वो अच्छा लुक देगा। इस तरीके से हम कुछ लगा लेंगे ग्लिटर आईलाइनर, होपफुली आपको दिख रहा हो। तो अब मैं अप्लाई कर लूंगी मेरा हाइलाइटर। मैं आज SFR का हाइलाइटर यूज करूंगी फ्रेंड्स, तो चलिए हाइलाइटर लगा लेते हैं। हाइलाइटर लगाने के लिए पहले मैं इसको खोल भी लूं और ब्रश भी ले लूं, अपना हथियार, हाइलाइटर लगाने का हथियार ले लूं। तो लेडीज भर भर के हाइलाइटर लगाइए और खूब चमकिए, क्योंकि भाई करवा चौथ है, चमकना तो बनता है। तो जितना हो सके हाइलाइटर लगाइए, ज्यादा ओवर भी मत लगा लेना, अच्छा नहीं लगेगा। तो हाइलाइटर लगाइए और चमकिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा लूंगी मेरी आईलैशेस, फॉल्स आईलैशेस और लिपस्टिक, फिर आपको मैं अपना फाइनल लुक कंप्लीट करके मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेकअप लुक आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।